हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर कृपा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में। तो खजूर में से हमें कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और साथ ही में वो हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर क्या काम करता है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये वीडियो में आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं खजूर के बारे में। तो खजूर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। और अभी सर्दियों का भी सीज़न जो है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगा है, तो आजकल मार्केट में अभी फ्रेश खजूर जो आना है वो स्टार्ट भी हो गया है। तो खजूर जो है वो इजीली हर जगह पे अवेलेबल भी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खजूर के फायदे के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को कौन से जो मेन खजूर के 6 बेनिफिट्स है उसके बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो खजूर के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन आज हम उसके 6 फायदे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा है वो है विटामिन्स। तो खजूर में से हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि उसमें से हमें विटामिन्स B1, B2, B3, B5 और साथ ही में विटामिन ए और विटामिन सी भी हमें मिलता है। तो जिसको खाने से आपके बॉडी में जो भी आप विटामिन्स की डेफिशिएंसी रहती है, तो सिर्फ खजूर खाने से आपके बॉडी में वो सभी प्रकार के विटामिन्स की डेफिशिएंसी को वो कवर करता है। और अगर साथ ही में अगर आप लोग विटामिन्स जो लोग मल्टी विटामिन टैबलेट लेते हैं, अगर आप लोग वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं मल्टी विटामिन, तो आपके लिए डेफिनेटली तो आपके लिए ये खजूर जो है वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप खजूर खाना शुरू कर दें। तो इसमें विटामिन्स के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में साथ में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज भी रहता है, जो कि आपके बॉडी को बहुत ही एनर्जेटिक बनाए रखता है। आप उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। उसके साथ फिर हम देखेंगे उसका सेकेंड बेनिफिट, वो है मिनरल्स। तो इसमें आप लोगों को खजूर में से भरपूर मात्रा में मिनरल्स भी मिलते हैं, लाइक सिलेनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है और साथ ही में आयरन भी मिलता है, जो कि आपके शरीर के लिए ये सभी मिनरल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही में ये आपके बोन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में ये खजूर जो है वो आपके हार्ट को भी चुस्त और फिट रखता है। तो ये थर्ड पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है एनीमिया। तो महिलाओं में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है उनको बहुत ही ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है, थोड़ा सा भी चलने से उनको सांसें, उनकी सांस जो है वो फूलने लगती है और साथ ही में उन लोगों को कुछ भी काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को डेली आप लोगों को खजूर का सेवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो एक बार आप खजूर का डेली सेवन करना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे करके आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो अप आ जाएगा और आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो। तो अभी उसका फोर्थ बेनिफिट है वो है डाइजेशंस, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है। तो आपकी जो कोई भी डाइजेशंस रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ही आपको ज़्यादा रहता है, आपका पेट जो है वो फूला फूला सा रहता है, आपका पेट साफ नहीं आता है, अपचासा आप लोगों को रहता है, तो ये सभी कंडीशन में खजूर खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है, बिकॉज खजूर में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। तो उसको आप डेली लंबे समय तक आप उसका प्रयोग करते हो या फिर आप डेली खजूर को कंज्यूम करते हो, तो उससे आपकी ये कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है। तो खजूर खाना वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहे। और अभी उसका फिफ्थ बेनिफिट है वो है स्किन के ऊपर। तो खजूर जो है वो स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, बिकॉज खजूर जो है उसमें एक टेंडेंसी रहती है कि वो मेलेनोसाइट सेल्स जो है वो नहीं होने देता है, वो मेलेनिन नहीं बनने देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपका अनइवन स्किन टोन है, या फिर अगर आपको स्किन पे पिगमेंटेशन है, या फिर अगर आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आ रही है, आपका फेस जो है उसकी स्किन जो है वो फ्लॉनेस नहीं दिख रही है, और अगर आप लोगों को आपका फेस जो है वो डस्की दिख रहा है, तो ये सभी केसेस में खजूर जो है वो बहुत ही एक अच्छा काम करता है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी समस्या है, तो आप लोग एक बार खजूर का प्रयोग ज़रूर करें। उसके बाद
उसके बाद उसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है नर्वस सिस्टम के ऊपर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है छोटी छोटी बात पे, या फिर अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी घबराहट सी लग रही है, तो इसका जो खजूर का जो रोल है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आप खजूर का सेवन जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि धीरे धीरे करके आपकी ये जो पैनिक होने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे खजूर के बारे में। तो ये सभी मैंने आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स बताए उसका हमें अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर डेली रूटीन्स में भी हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग डेली खजूर का सेवन जरूर करें। खजूर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके फायदे बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके फायदे हैं हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन आप लोग उसका डेली नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि खजूर खाना कैसे है। तो खजूर का खाने के लिए इसका कोई भी आप लोगों को फिक्स टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसको मॉर्निंग में ही खाना है या फिर रात में ही खाना है। आपको जब मन करे तब आप उसको खजूर को खा सकते हैं। अगर महिलाएं खा रही है खजूर को तो वो डेली 3 खजूर या फिर खजूर की 3 पेशियां जो है वो खा सकती है। और अगर एडल्ट पुरुष खा रहे हैं खजूर को तो डेली 4 पेशियां आप लोग खजूर की खा सकते हो। और छोटे बच्चे भी खजूर को डेली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 4 खजूर से ज़्यादा आप हमको खजूर नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और साथ ही में जो लोगों को पाइल्स की बीमारी है, वो सभी अगर प्रॉब्लम्स है, तो वो लोगों को खजूर नहीं खाना चाहिए। तो आप जैसे चाहे वो फॉर्म में आप खजूर खा सकते हैं। अगर आपको प्लेन खजूर पसंद है तो प्लेन खजूर भी खा सकते हैं, या फिर अब आजकल तो अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो खजूर का मिल्क भी मिलता है बाहर। आप चाहे तो घर पर भी खजूर का मिल्क बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप रात में जब सोने जाते हैं उसके पहले आप लोग 1 ग्लास खजूर का दूध जरूर पिए, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को चलिए पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और साथ ही में सब्सक्राइब का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, हो सके वो लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई विश यू ऑल इन एडवांस वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड द प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।